हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम एक अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो होगा एडजस्टमेंट। ठीक है, इससे भी हमारा जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट के बारे में। तो एडजस्टमेंट वैसे होता क्या है बच्चों? जैसे कोई भी हमारे साथ सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़े तो वो एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, और यदि हम इजीली एडजस्ट कर रहे हैं बिना किसी रुकावटों के तो वो एडजस्टमेंट होता है, और यदि हम इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो अनएडजस्टमेंट कहलाता है, है ना? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एडजस्टमेंट क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, हर परिस्थिति, हर माहौल, हर इमोशंस में अपने आप को स्टेबल रखना ही क्या कहलाता है, वो एक अच्छी एडजस्टमेंट होती है। कि भाई हम हर एक सिचुएशन के अंदर या फिर कोई भी मतलब एक सीन क्रिएट हो जाए या कैसे भी हमारे साथ हमारे सामने इमोशन आए हुए हैं या हमारे अंदर इमोशंस आए हुए हैं, मैं अपने आप और उस मतलब इमोशंस में उनमें मैं अपने आप को जो है स्टेबल रख पा रही हूँ, तो मेरे अंदर जो है एक अच्छी एडजस्टमेंट हो रखी है। ठीक है, और अनएडजस्टमेंट, अब देखो मैंने बताया जैसे पहले भी, जिसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो अनएडजस्टमेंट कहलाएगी। जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं किसके अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी हमारे सिचुएशन है हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कोई एक सीन है हमारे सामने उसमें नहीं कर पाते या फिर कोई इमोशंस हो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो हमारी क्या होती है, अनएडजस्टमेंट। देखो, हर इमोशंस का मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, हमें जो है एक अच्छा जो है अपने इमोशंस को एक मतलब प्रॉपर रखना होना चाहिए एक तरीके से। नहीं, ये नहीं कि भाई हम कहीं भी अपने इमोशंस जो है मतलब छोड़ मतलब कि रोना शुरू कर, जैसे कहते हैं ना कि रोना शुरू कर दिया, नहीं, हमें ना अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना होना चाहिए कि भाई कहाँ और किस सिचुएशन में हमें कैसे कैसे इमोशंस शो करने होते हैं, इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो वो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, फिर अब इसमें देखो, ये देखो अनएडजस्टमेंट है, हम अनएडजस्टमेंट होने की जो कारण होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद। ठीक है, जो कि हमारे कुर्ट लेविन ने दिया। पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ हमारा, द्वंद हुआ। ठीक है, और ये किसने दिया, ये कुर्ट लेविन ने दिया था कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब दो सिचुएशन में से किसी एक को चूज करना कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अब देखो मेरे सामने दो सिचुएशन है, जैसे कि मेरे को आज के दिन ही पार्टी में भी जाना है और मुझे स्कूल के काम से स्कूल में भी जाना है, तो अब मेरे पास दो सिचुएशन हो चुकी हैं, एक एक पार्टी में जाने की और एक वहाँ पर भी जाने, मतलब जाना वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है और उधर भी इम्पोर्टेंट है। तो इस ऐसी कोई सिचुएशंस, दो सिचुएशंस हमारे सामने आ जाए और हमें उनमें से किसी एक को चूज़ करना हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। कि भाई अब मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं पार्टी में जाऊँ या मैं वहाँ अपने स्कूल के अंदर जाऊँ, तो मैं बिल्कुल ही ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट में, द्वंद में पड़ जाऊँगी। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट के हमारे तीन सब पार्ट्स हैं, जिसको बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे सामने दो सिचुएशंस होती हैं, इनको समझाने का तरीका कि हमारे सामने दो सिचुएशन होती हैं, एक सिचुएशन के अंदर दोनों पॉजिटिव सिचुएशन है कि भाई हमारा हम दोनों जगह जाना चाहते भी हैं और दोनों जगह पे ही हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो तो होगी अप्रोच जो एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब दो सिचुएशन ऐसी है कि हमें उनमें से कोई सी चाहिए नहीं। ठीक है, दोनों सिचुएशनों में से हमें एक भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनमें से एक चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। ठीक है, अब डिसाइड करो कि भाई कुएं में कूदना है या खाई में कूदना है।
तो वो कूदने वाला तो वो चाहेगा ही नहीं कि भाई ना तो वो कुएं में कूदे ना ही वो खाई में कूदे। और ऐसी सिचुएशन में उसको क्या है, किसी एक ना एक चीज़ को जो है चूज़ करना होता है, तो वो अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, अब फिर आता है अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, ये क्या होता है कि भाई एक पॉजिटिव सिचुएशन है और एक हमारी नेगेटिव है जिसको वो पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, अब अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद। ठीक है, क्या है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट उपागम उपागम द्वंद। दो सिचुएशन है और दोनों ही पॉजिटिव है हमारे लिए। ठीक है, कि भाई मेरे सामने एक तरफ आइसक्रीम रखी हुई है और एक तरफ केक रखा हुआ है, तो मेरे को बोला जा रहा है कि भाई इनमें से एक चूज करो कि क्या कौन से वाला आपको खाना है। तो मेरे लिए तो दोनों अच्छी चीज़ है, मेरे को दोनों ही पसंद है, तो मैं कंफ्यूज कि मैं खाऊं क्या। ठीक है, वो क्या हो गया अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया मेरे लिए। फिर आता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो परिहार परिहार द्वंद, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिहार परिहार द्वंद। दो सिचुएशन होती हैं और दोनों ही नेगेटिव होती हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को बोल दिया जाए कि तुमको नेगेटिव के अंदर कोई भी आप सिचुएशन ले सकते हो, कि मुझे बोल दिया जाए कि देखो हाँ या तो तेको 500 मीटर, 500 मीटर तो कम होगा, हाँ मतलब 500 मीटर दौड़ लगानी है, और या फिर तुमको जो है 40 या फिर 50 जो है डिप्स मारने हैं। अब मैं तो कंफ्यूज क्योंकि मैं पहले ही थकी हुई, तो अब मैं क्या करूं है, तो मेरे लिए जो है यहाँ पर क्या होगा अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मैं पहले ही मेरे अंदर जो है क्या है फटीग आई हुई है, थकान आई हुई है, तो मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ कुछ भी और कार्य करने के लिए। लेकिन मुझे ये बोल दिया गया कि भाई या तो तुम ये करो या तुम ये करो, लेकिन मेरे को कोई सा अभी चाहिए इसी फिलहाल इसी टाइम पे मेरे को वो चीज़ चाहिए ही नहीं है, तो मेरे लिए क्या हो गया ये अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, वेर नो सॉरी अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैं मिस्टेक से गलती से गलत बोल गई। फिर आता है हमारा अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में उपागम परिहार। ठीक है, क्या बोलेंगे उपागम परिहार द्वंद। इसमें एक सिचुएशन नेगेटिव है और एक सिचुएशन हमारे लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इसके अंदर जो हम माल एडजस्टमेंट के हम जैसे कारण पढ़ रहे थे, कॉजेस पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट तो हमारा जैसे कॉन्फ्लिक्ट था, सेकंड हमारा होगा एंजाइटी, जिसको बोलेंगे हम दुश्चिंता। जब हम प्रेजेंट और पास्ट के बीच जो घुटन चलती है वह एंजाइटी कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारा कोई पास्ट हुआ, ठीक है, और हम उसको छोड़ के कहीं और अपना जो है फ्यूचर बना लिया, लेकिन हमारे अंदर वो पास्ट वाली फीलिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच की जो अब तो वहाँ क्या होगा भाई, वहाँ एंजाइटी होगी। ठीक है, वहाँ वहाँ जो है स्ट्रेस का माहौल चलता रहेगा, मतलब दुश्चिंता होती रहेगी, वो उसके बारे में सोचती रहेगी, वो सोचेगी वो वहाँ पर कुछ नहीं रहेगी, तो वो ये क्या कहलाएगी, ये एनजाइटी कहलाएगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा एनजाइटी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच घुटन चलती है वह एनजाइटी कहलाती है। ठीक है, अब आती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में कुंदधा। ठीक है, या फिर भग्नशा। ठीक है, भग्नशा या फिर कुंदा, जब ये इसके हिंदी में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन को। ठीक है, जब कोई विशेष इच्छा अधूरी रह जाती है तब फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। जैसे मैं अपने पे ले लेती हूँ, जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की कि अब की बार मेरे को जो है सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मैंने मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
और मेरे को ये था कि अब की बार तो मेरा पक्का हो ही जाएगा, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मेरा नहीं होगा पेपर क्लियर। तो क्या होगा, और बाय चांस मेरा नहीं होता, मतलब मेरा पेपर, मैंने जिस दिन रिजल्ट आया मैंने देखा मेरा पेपर नहीं हुआ, तो मेरे अंदर क्या पैदा होगा, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, क्योंकि वो मेरी एक इच्छा थी कि भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए, मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की थी लेकिन वो मुझको नहीं मिल पाई। तो मेरे अंदर क्या पैदा होगी, मेरे अंदर आएगी फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर कारणों के अंदर आता है हमारा माल एडजस्टमेंट, सॉरी अन एडजस्टमेंट के क्या आता है, हमारी टेंशन। अब देखो टेंशन तनाव, टेंशन को क्या बोलेंगे, तनाव। जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग तैयार नहीं होते हैं वह टेंशन कहलाती है। मतलब मैं एग्जांपल समझाती हूँ, देखो यदि मेरे मेरे को एकदम से कोई ये बोले कि चलो बाहर घूमने चलना है, तो मैं खुद ऐसी टेंशन में पैदा हो जाऊंगी कि मैं पहनूं क्या, ठीक है। तो ये क्या होती है टेंशन, ये तो हम जैसे हर लड़की की जो है एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक सीरियस सिचुएशन के साथ देखते हैं टेंशन को। जैसे कोई अपने एग्जाम ओरिएंटेड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एकदम से प्रिंसिपल सर हमें ऑर्डर देते हैं कि अब आपको ना ऐसे नहीं, अलग जो है तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, नया उन्होंने कोई नया वे बताया बच्चों तक जो है अपनी बात कन्वे करने का, उनको कनेक्ट करने का अपने आप से अपने से। तो फिर कुछ जैसे मैं ही हूँ तो मैं क्या हूँगी, मैं स्ट्रेस के, ओ सॉरी टेंशन के, टेंशन में चली जाऊँगी कि ये क्या हुआ, अच्छा मैं ऐसे कैसे करूँगी, होगा कैसे, अच्छा बच्चों ने मेरी नहीं सुनी तो यार हो भी जाएगा, मतलब मैं जो है ऐसे सवालों से क्या है अपने आप से गिर जाऊंगी और मैं क्या होऊंगी, मैं तनाव के अंदर आ जाऊंगी, एक प्रेशर सा बिल्डअप हो जाएगा मेरे ऊपर कि होगा या नहीं होगा मेरे से, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं टेंशन में आ जाऊंगी बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से, ठीक है। फिर हमारा आता है स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं दबाव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई काम हमारे आत्मसम्मान का विषय बन जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे देखो अब मैंने फॉर्म फिल किया एचटेट का, ठीक है, आप सभी एचटेट का फॉर्म फिल करेंगे, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी करेंगे। अब आप लोगों के बीच में क्या हुआ, एक कंपटीशन शुरू हो गया। अब वो कंपटीशन के चक्कर में आप जो है मतलब आपके पेरेंट्स को भी पता चल गया, तो अब वो क्या बोलते हैं कि चलो देखते हैं किसका होता है। अब आपके अंदर क्या है, दबाव पैदा हो गया है, स्ट्रेस पैदा हो गया है कि मुझे करना है, कहीं मैं रह जाऊं और उसका हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो वहाँ पर वो हमारा स्ट्रेस कहलाएगा, दबाव कहलाएगा, ठीक है। इजी कंप्लीट, ये हमारे 5 जो है अनएडजस्टमेंट के कारण है कि भाई अनएडजस्टमेंट क्यों होता है, तो अनएडजस्टमेंट इन इन कारणों की वजह से होता है जो कि मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन एंड हमारा लास्ट वन है स्ट्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारी ये माल एडजस्टमेंट, हमारे जो ये अनएडजस्टमेंट है या माल एडजस्टमेंट है इनको हटाने का, ठीक है, कैसे हम इनको दूर कर सकें वो हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, वे टू बिहेव और थिंक टू प्रोटेक्ट और डिफेंड आवर सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, जो हमारे अंदर ये एंजाइटी दुश्चिंता होती है उसको कैसे हम अपने से बचाएं और या फिर उसको दूर करें, ठीक है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। हाउ डू वी डिस्टेंस आवर सेल्फ फ्रॉम अ फुल अवेयरनेस ऑफ अनप्लीजेंट थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, कैसे हम जो हमारी अनप्लीजेंट सोच होती है, भाई कुछ भी दिमाग में सोचने लगे और उससे हमें टेंशन पैदा हो रही है या स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है अनप्लीजेंट थॉट से, जो अनप्लीजेंट
फीलिंग होती हैं या बिहेवियर होता है उनसे कैसे हम दूर रखें अपने आप को, उन उन मतलब दूर रख पाएं, वो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू रखते हैं, तो वो हमारे क्या करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म कि वो कैसे रखेंगे, तो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ माल एडजस्टमेंट। अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म भी जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट होता है और एक हमारे सेकेंड वन है हमारा इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीके से। अब डायरेक्ट जब बिना प्रेशर के डायरेक्ट डील करते हैं वो हमारे डायरेक्ट होते हैं कि भाई किसी ने मुझे बोला, जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट वाले के अंदर मेरे पास कोई दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन में से मुझे एक चूज़ करनी थी, पार्टी में जाना है या स्कूल में जाना है, तो क्या हो गया भाई मैं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट में गई तो मैं डायरेक्ट तरीके से क्या करूँगी कि चलो छोड़ो पार्टी, तो पार्टी को तो मैं स्कूल में जाती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट तरीके हो गए। ऐसे ही हमारे और भी डायरेक्ट तरीके होते हैं इनसे जो है डील करने के, तो वो पढ़ेंगे। और इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष, जब प्रेशर के साथ मन दिल के साथ डील करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें अपने जो है इमोशंस का या फिर अपनी फीलिंग्स का या फिर अपने रिलेशनशिप्स को भी जो है कंसीडर करके चलना पड़ता है, तो वह हमारे कौन से होते हैं इनडायरेक्ट तरीके होते हैं, जब हम प्रेशर के साथ मन दिल के साथ जो है डील करते हैं। देखो अब हमारा आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट के अंदर हमारा एस्केपिज्म, डिस्प्लेसमेंट, रिमूव बैरियर और हमारा जो है एनालिसिस एंड अटेंशन, ठीक है, ये सारे हमारे कैसे हैं तरीके हैं, ये सारे हमारे डायरेक्ट तरीके हैं। अब डायरेक्ट में एस्केपिज्म क्या होता है, पलायन, कि भाई हमारे सामने वो सिचुएशन आई, हमने वो सिचुएशन ही छोड़ दी, ठीक है, सिचुएशन को छोड़कर भाग जाना कि भाई जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई हमने वो हमने जो है उसको फेस आउट किया ही नहीं, उसको छोड़कर हम भाग गए, वो क्या हो गया, एस्केपिज्म हो गया, डायरेक्ट तरीका हो गया, ठीक है। जैसे मेरे सामने पेपर मैंने मतलब फॉर्म फिल करना था, तो मेरे को क्या लगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर ना प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, मैंने फॉर्म ही भरने की टाल, मतलब मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं अब की बार भर ही नहीं रही फॉर्म, ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा, मैं एस्केपिज्म हो गया, मैं उस चीज़ को छोड़कर भाग रही हूँ, ठीक है। फिर आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। देखो जो मतलब ऑप्शंस के अंदर यदि इनडायरेक्ट भी हो, डिस्प्लेसमेंट में इनडायरेक्ट भी हो, तो हमें इनडायरेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कंपैरिजन टू डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्ट में भी आएगा और इनडायरेक्ट के अंदर भी आएगा, लेकिन हम ज़्यादा मानेंगे इनडायरेक्ट को। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उस बात को ही बदल दिया, ठीक है, मतलब कि क्या किया, जैसे एस्टेट का फॉर्म निकलने थे, उसको सभी ने बोला कि भाई ठीक है पढ़ लियो भर लियो, उसकी तैयारी नहीं हो पाई, तो उसने क्या किया, फॉर्म ही ना भरा, फॉर्म ना भर के उसने मतलब एस्टेट का फॉर्म ना भर के उसने जो है एसएससी का फॉर्म फिल कर दिया, कि भाई मैं उसने वो क्या किया, बात को ही बदल दिया, ठीक है, वो क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट कहलाया। इसमें एक ऑप्शन, एक और एग्जाम्पल आता है, वो ये है कि जैसे पेरेंट्स जो है वर्क जो उनका वर्क प्लेस होता है वहाँ से वो थोड़े से गुस्से में आए और वहाँ पर जो बॉस ने उनको सुना दिया, तो बॉस का जो गुस्सा था वो बॉस पर तो नहीं निकाल सकते थे, वो उन्होंने क्या किया, घर पर आकर अपने बच्चे पे निकाल दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, हो गया, आगे समझ में। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। फिर आता है हमारा रिमूव बैरियर, रिमूव बैरियर को हिंदी में बोलेंगे बाधा दूर करना, जो डिफिकल्ट लग रहा है उस पर फोकस करना और परफेक्ट बनना। अब किसी की जो है पढ़ाई, मतलब कि जैसे उन्होंने एस्टेट का फॉर्म फिल किया, अब उसको क्या है, किसी भी मतलब कोई भी टेट का फॉर्म फिल किया, उन्होंने जो है क्या क्या किया कि भाई फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन अब वो ये देख रहे कि उनको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब मोस्टली जो होता है मैथ होता है सभी का, अब मैथ के अंदर उनको प्रॉब्लम आई हुई है, अब वो क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले उस मैथ को ही देखेंगे, उस मैथ को ही करने शुरू करेंगे और सब्जेक्टों से, ठीक है,
तो ये क्या होगा, रिमूव बैरियर. अब जो वो बैरियर आ रहा था उनके लिए, जो बैरियर था वो उसको ही हटाने की कोशिश कर, मतलब हटा रहे हैं. फिर हमारा अगला है, नेक्स्ट है एनालिसिस. एनालिसिस में क्या होता है, खुद का आंकलन करना. एनालिसिस आंकलन करना कि भाई जो हमने किया है उसके बाद हम उसका जो है आंकलन करते हैं, ठीक है. फिर अटेंशन, अपनी चीज़ों को खुद अटेंशन दे रहे हैं. अटेंशन के अंदर क्या है कि जो भी सिचुएशन है या जो जो उन्होंने ऐसे किया, उन सारी चीज़ों पर वो खुद ही जो है अपना अटेंशन पे कर रही है. ये हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट. फिर आते हैं हमारे इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में हमारा होता है प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं प्रक्षेपण, ठीक है. प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, अपनी असफलताओं का दोष किसी और पर मंडना. इनडायरेक्ट मतलब कि जैसे तुमने देखो ऐसा बोलना मत प्लीज़ मुझे, है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आप मेरे साथ मेरे से पढ़ रहे हो और बाय चांस आपका नहीं होता है पेपर क्लियर, तो आप क्या है, आप मेरे पे दोष डालोगे कि आप इन्होंने तो पढ़ाया ही नहीं अच्छे से, इसलिए मेरा पेपर नहीं हुआ. अब क्या क्या बात, आपने प्रैक्टिस की हो या नहीं की हो. मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि भाई डेली रिवीजन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ. यदि आप ये सारे काम कर रहे हो तो आपका हो पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता. और यदि आप ये चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, तो इसमें मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं आपकी जो है अंदर घुस जाऊँगी और आपका पेपर क्लियर करा दूँगी, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है. तो प्रॉपर नोट्स बनाओ और डेली रिवीजन करो, शुरू से आखिरी तक जितना पढ़ाया गया है वो डेली रिवीजन करो, ताकि वो आपके अंदर जो है कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि और जब फिर हम उसको जो है बार 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 रिपीट करते हैं तो वो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है. मैं क्राइम रोट क्राइमिंग की बात नहीं कर रही हूँ, रट्टा नहीं मरवा रही, लेकिन उससे क्या है आपकी जो है समझ बिल्डअप होती है. और भाई नौकरी का सवाल है, रट्टे लगाने भी पड़े तो लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है. फिर सेकेंड हमारा इनडायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हमारा आता है रिप्रेशन, जिसको बोलते हैं दमन. अब देखो इसमें क्या होता है, जो मतलब हमारी इच्छाएं हैं ना उनको दबाते हैं हम, ठीक है. अपनी सारी इच्छाओं को दबाना, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब हम उसे बलपूर्वक अपने दिमाग से किसी कोने में दबा देते हैं. देखो अनफुलफिल्ड विशेज जो होती हैं उनको, जब हमारी कोई विशेज मतलब हमारी विशेज हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हुई, अनफुलफिल्ड है, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती भुला रहे हैं या दबा रहे कि अपने दिमाग के किसी कोने में, कि भाई वो सक्रिय दिमाग के अंदर नहीं आए और हम जो है फिर परेशान ना हों. तो वो क्या कहलाता है, दमन, रिप्रेशन. जब हम फोर्सफुली खुद किसी बात को भूलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा रिप्रेशन कहलाता है, दमन कहलाता है. सप्रेशन में क्या होता है, जब हम अपनी मर्जी से, एक मिनट, जान पूछ कर किसी बात को भूल जाएं. ओके देखो भाई बच्चों, रिप्रेशन में क्या है कि भाई जो हमारी इच्छाओं को हम दबा देते हैं, जो मतलब हमारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं तो वो उसको हम किसी दिमाग के कोने में दबा रहे हैं, ठीक है. सप्रेशन में जब हम जबरदस्ती जानबूझकर किसी बात को भूलने का प्रयास करें वो क्या कहलाता है, रिप्रेशन, ठीक है. और फिर आता हमारा रिग्रेशन. रिग्रेशन में क्या होता है, पीछे की ओर लौटना, जो वर्तमान स्थिति में कोई बात कष्ट दे रही है तो पीछे के एक्सपीरियंसेस से उसे सहित कर लेते हैं. रिग्रेशन में क्या आएगा, प्रतिगमन. प्रतिगमन में क्या होता है कि भाई जैसे मेरे सामने कोई अब सिचुएशन क्रिएट हो रही है मेरे प्रेजेंट के अंदर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, पास्ट सिचुएशन में भी हुआ था, तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो पास्ट सिचुएशन के से जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किए थे उन एक्सपीरियंस का मैं इस्तेमाल अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर करूँगी, कि भाई जो वहाँ पर मिस्टेक्स हुई थी वो यहाँ पर ना हो पाए,
तो वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें भी आ गया ना डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है, अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। जो मैंने वो वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि भाई जैसे पेरेंट्स स्कूल मतलब पेरेंट्स जो है अपने बॉस से डांट खा के आए हुए हैं, तो वो उन्होंने वो बॉस को नहीं सुना सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को सुना दिया जाके घर पे। ठीक है, बच्चा सामने आया तो बच्चे को दो चार खरी खरी सुना दी। फिर इसमें ये तो हमारा ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट था। और हमें ज़्यादा यदि ऑप्शन में इनडायरेक्ट मेथड होगा तो इनडायरेक्ट पे टिक करना है, और यदि इनडायरेक्ट ना हो तो हम डायरेक्ट पे करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के में क्या है, तदा आत्मीकरण। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके आपने मतलब जैसे आपने फॉर्म फिल किया और किसी जो ज़्यादा पढ़ा हुआ या ज़्यादा टाइम से उस चीज़ की जो तैयारी कर रहा है उस इंसान ने भी वो फॉर्म फिल किया। अब क्या बाय चांस आपका भी नहीं होता है और उनका भी नहीं होता है, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे भाई तूने तो कुछ किया नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उसने भी नहीं किया, मेरा कहाँ से हो जाता था, वो तो कितने सालों से पढ़ रहा है कि कितना वो है, तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन। जब हम अपनी बात को उसी क्षेत्र से जुड़े किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ देते हैं तो वो हमारा आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। जब मेरा पेपर पास ना हो तो कहेंगे उसका भी तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर आता है हमारा रैशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं औचित्य स्थापना। ठीक है, औचित्य स्थापना, जैसे अंगूर ना मिले तो खट्टे, जो हमारी सिचुएशन नहीं होती, किसी सिचुएशन में हम ये कहावत मारते हैं कि भाई अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, मतलब कि यदि मैं जो चीज़ चाह रही थी मुझे वो ना मिली तो मैं बोलूँगी अरे ठीक ही हुआ, ये तो ऐसी होती है, ये हो जाता वो हो जाता, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं मिले तो वो खट्टे थे। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए और हमें ना मिले तो हम अपने आप को कुछ ना कुछ कहकर जो है संतुष्ट कर लेते हैं, वो हमारा रैशनलाइजेशन कहलाता है, अंगूर खट्टे हैं। फिर आता है डे ड्रीमिंग, दीवा स्वप्न, खुली आंखों से सपने देखना लेना, मतलब कि चलते चलते ओ मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं तो गाड़ी लूँगी, ये करूँगी, ठीक है घर बनाऊँगी, एक एक मेरे घर में एक बहुत बड़ा सा कमरा होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें खाने की होंगी है, और एक जो है बिल्कुल पूरा बड़ा सिनेमा हॉल बनाऊँगी। ये सारे डे ड्रीमिंग होते हैं। ठीक है, दीवा स्वप्न, खुली आँखों से सपने देखना। ठीक है, फिर आता है सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोघन या फिर मृगांतिकरण। ठीक है, जब सोसाइटी किसी भी चीज़ को बार बार गलत बोलती है और आप उसे सही प्रूव कर दें, वह सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, जब मतलब कोई भी चीज़ है, सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, जैसे कि आप डांस करते हो, सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि भाई क्या डांस करता है तू, छोड़ इससे अच्छा तो मतलब कि पढ़ाई कर ले, कहीं अच्छी जॉब करेगा, पैसे कमाएगा दो चार, अच्छा नाम हो जाएगा, ठीक है सोसाइटी में अच्छे से रहेगा, तो सभी आपको उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप हो कि भाई अपना लगे रहे हो अपने पैशन के अंदर, और फिर क्या होता है एक टाइम पे आप जो है एक अच्छे डांसर, बहुत बड़े डांसर बन गए और आपके पास पैसा भी बहुत सारा आ गया और आप फेमस भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई आपके पास, तो वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं विपरीत रचना। रियलिटी कुछ और व्यवहार कुछ और दिखा रहे हैं। इसमें कैसे आएगा कि भाई जैसे लड़के मतलब हर कोई आदमी करता है ये चीज़ रिएक्शन फॉर्मेशन में, कि भाई किसी के सामने मतलब ज़्यादातर लेडीज़ करते हैं ये काम। ठीक है, कि भाई सामने तो ऐसे अच्छे अच्छे बोलेंगी, अच्छे अच्छे बात करेंगी, और उसके मुड़ते ही उसकी जो चुगलियाँ पीटने शुरू कर देंगी, हे वातनुका वह थी, यो था फलाना था, तो ये क्या है, ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, विपरीत रचना। रियलिटी कुछ और
हो और व्यवहार कुछ और दिखा रहे हैं कि भाई उसके सामने तो ऐसी इतनी मीठी बन रहे हैं और उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, और फिर उसके पीछे मुड़ते ही उसकी जो है बेइज्जतियां करनी शुरू कर दी। वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर आता है कंपनसेट, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। जब हम अपनी किसी कमी को अच्छा काम करके ढक देते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई कमी थी, मैं उस चीज़ को जो है ढक रही हूँ कोई अच्छा काम करके, ताकि उसको भूल जाए और जो मेरी अच्छाई है उसको याद रखें, तो वो क्या कहलाता है? कंपनसेट, क्षतिपूर्ति। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माल एडजस्टमेंट के जो डिफेंस मैकेनिज्म थे वो कंप्लीट होते हैं, और हमारा एडजस्टमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।